एवरीवन, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो एज यू ऑल नो कि हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर कर रहे हैं एंड वो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बट अभी तक हम बेसिकली गैप पर आए नहीं हैं। ठीक है, गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी उसको स्टार्ट नहीं किया गया, बिकॉज आपको इस चैप्टर में जो सीक्वेंशियल ऑर्डर पूरा है, पहले अकाउंटेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप किया गया जो आपने 9th में पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्टिंक्शन देखा था अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो वैसे भी आपको अकाउंटिंग साइकिल का आइडिया है ही, हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आपने उसको पढ़ा है किस तरह से स्टार्ट होती पूरी अकाउंटिंग और एंड कहाँ तक करती है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो ये एक आप इसको फ्लो चार्ट की तरह समझ सकते हो जिसमें पूरी अकाउंटिंग साइकिल आपको एक्सप्लेन करी गई है। अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है या फिर सीक्वेंस होता है ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। जितनी भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं एक बिजनेस के अंदर किस सीक्वेंस में होती हैं, उसी सीक्वेंस को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब जैसे आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल, तो साइकिल क्यों बोली गई? बिकॉज देखो साइकिल क्या होती है? राउंड। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल मतलब जो चीज़ कंटिन्यूसली चली जा रही हो एंड ना हो जिसका। तो ऐसा क्यों बोला गया, जब इसको हम समझेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट पे आपका रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, क्या ये कह रहा है? ठीक है, मेन यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पहला कीवर्ड है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस होते क्या है? देखो आपको पता है बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। क्या होता है, जैसे बिजनेस चल रहा है तो ओनर जो है, जो भी बिजनेस का है, उसने कहीं से सामान खरीदा होगा किसी सप्लायर से, उसने अपने जो गुड्स बनाए होंगे उनको सेल करा होगा, उसने पेमेंट करी होगी अपने लेबर्स को और अपने ऑफिस वर्कर्स को, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, उसके अलावा उसने कहीं से लोन लिया होगा, उसने शेयर्स इशू करे होंगे, डिबेंचर्स इशू करे होंगे, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें फाइनेंशियल होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन फाइनेंशियल होती हैं। देखो मतलब क्या है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का? देखो कई ऐसी चीज़ें बिजनेस में होती रहती हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और वो मनी जो इन्वॉल्व होता है वो बिजनेस से रिलेटेड इन्वॉल्व होता है। जैसे कि जो भी ओनर है, ठीक है, कोई बिजनेस है, उसका ओनर ए है, उसने गुड्स सेल करे, ठीक है, उसने गुड्स को सेल किया, तो ये क्या है? ये आपका मनी वाला ट्रांजैक्शन हो गया जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अब अगर एक चीज़ दूसरी के साथ बात करो, जहाँ पर ओनर जो है वो अपना खुद ही जो है कोई गिफ्ट परचेस किया उसने, और वो गिफ्ट अपने उसने किसी रिलेटिव को दिया, ठीक है, किसी भी ओकेजन पे, तो यहाँ पर क्या ये चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पैसे पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जिन भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पैसे पर अफेक्ट पड़ेगा, जो बिजनेस का पैसा है उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कौन से ट्रांजैक्शंस होने चाहिए? सारे मनी वाले ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो अभी तक ट्रांजैक्शन केवल हुआ था, सेल केवल हुई थी या परचेज हो गई थी, लेकिन जिस टाइम जिस इंस्टेंस हम उस ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं, लिखने का मतलब क्या है, अब वो एक प्रूफ हो गया हमारे पास। जो भी चीज़ें राइटिंग में प्रेजेंट होती वो एक प्रूफ होती हैं। ठीक है, तो अब जब हम उस ट्रांजैक्शन को जैसे ही लिख लेंगे तो वो हमारी पहली रिकॉर्डिंग होगी उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, आप देखो इतना सामान खरीदते हो, आप जाते हो, आप रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो। ठीक है, आप ग्रोसरी का सारा सामान खरीदते हो, आप नॉर्मल कहीं निकले हो तो आप कभी आपने चिप्स खरीद लिया, कभी आपने कोई ड्रेस खरीद ली, क्या आप घर आके उसको नोट करते हो बैठ के? नहीं करते हो। लेकिन जहाँ से आपने खरीदी है, जो बिजनेस मैनेजर दुकानदार है उसने नोट करी है, ठीक है, उसके पास वो प्रूफ होता है और आपको वो इसलिए बिल देता है। ठीक है, वो भी एक प्रूफ की तरह काम करता है। तो ये सब क्यों है? ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। अब ये रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जर्नल में। जर्नल क्या है? देखो जर्नल होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या होती है? जर्नल होती है आपकी, इसको हटा दिया जाए, जर्नल जो आपकी होती है वो होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सी बुक? ओरिजिनल एंट्री की। ओरिजिनल एंट्री क्या? ओरिजिनल क्या है? जो फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ है वो ओरिजिनल है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल में, ये रूल के हिसाब से करी जाती है और बेसिकली रिकॉर्डिंग होती है डबल एंट्री सिस्टम में।
डबल एंट्री, मतलब अगर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है मनी वाला जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी डबल एंट्री होगी, दो बार एंट्री होगी। जो दो बार एंट्री होगी वो होगी डेबिट में एंड क्रेडिट में। अब नाइन्थ में आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ाए गए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट होते थे उनके डिफरेंट डिफरेंट डेबिट क्रेडिट रूल्स होते थे, ठीक है, तो वो रूल्स थे। तो यही है कि डबल एंट्री में रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल में। अब क्या है, ये जो जर्नल है, जर्नल में फर्स्ट रिकॉर्डिंग तो हो गई, पर देखो कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक बुक अगर रखेंगी तो क्या वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड कर लेंगी? डेफिनेटली कर लेंगी, लेकिन उनके पास सोचो कितने बंडल्स हो जाएंगे। आप बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, जैसे टाटाज हो गए, रिलायंस हो गया, तो ये अगर एक ही जर्नल बनाकर रखेंगे उसी में वो रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, तो ना ही कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा। अगर उनको कोई ट्रांजैक्शन ढूंढनी रहेगी बहुत पुरानी है तो कैसे उनको मिलेगी, ठीक है, या फिर कुछ उनको निकालना पड़ेगा उन ट्रांजैक्शंस में से, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा और ये एफिशिएंसी नहीं रहेगी इस काम में। तो इसलिए क्या होता है, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ये जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, जर्नल, वो जर्नल की जगह पर क्या करते हैं, कई सारी तरह की बुक्स बना लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग तरह की बुक्स बना लेते हैं। कौन सी होती है वो अलग अलग तरह की बुक्स, देखो सबसे पहले 8 टाइप्स की बुक होती हैं, कितने, 8। सबसे पहली होती है कैश बुक, फिर परचेज बुक, थर्ड हो गई सेल्स बुक, फिर हो गई परचेज रिटर्न, P/R शॉर्ट फॉर्म में लिखा है P/R परचेज रिटर्न, फिफ्थ हो गई सेल्स रिटर्न, सिक्स्थ हो गई बिल्स रिसीवेबल, सेवेंथ हो गई बिल्स पेबल, एंड 8th हो गई जर्नल प्रॉपर। क्या चीज़ है भाई ये, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। जब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका जो जो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, देखो एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं है कि उसमें कैश जो रुपीज़ या कॉइन्स के फॉर्म में मनी है वो यूज़ हो ही हो, ठीक है। बिजनेस में कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो क्रेडिट बेसिस पर भी होते हैं। क्रेडिट क्या होता है कि आपने कर्ज की तरह ले लिया, ठीक है, उसकी एक्चुअल पेमेंट कैश में नहीं हो रही, ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और उनको भी रिकॉर्ड करा जाता है। क्यों उनको रिकॉर्ड करा जाता है, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी हमें कैश उसमें रिसीव होगा या हमें कभी ना कभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आगे जाके, ठीक है, तो कभी ना कभी वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाला कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए जिस टाइम वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखने का यही मतलब है कि हमें क्रेडिट और कैश दोनों को रिकॉर्ड करना है। तो ये कैश होती है, पहली कैश बुक है, तो कैश बुक में जितने भी कैश से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे भी उनका रुपी एक्चुअल मनी, उन्होंने एक्चुअल रुपीज़ या कॉइन्स उन्होंने स्पेंड करे हैं या उनको मिले हैं बिजनेस को, वो रिकॉर्ड करेगा। फिर परचेज बुक में जितनी भी उन्होंने सामान खरीदा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो और भी कुछ हो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, वो सब रिकॉर्ड होगा। सेल्स, जितनी भी सेल्स, जितने भी गुड्स में वो बिजनेस डील कर रहा है, उनको जब भी सेल करेगा टू द कस्टमर या टू द होलसेलर, तो वो सेलिंग जितना भी है वो सारा सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर होती है PR, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता क्या है, परचेज करा और रिटर्न कर दिया, ठीक है, आप गए, आप जो है किसी शॉप पर गए ना, आपने वहां से आपने वहां से पेन परचेज करी, ठीक है, पेन परचेज करी, घर आके आपने लिखना स्टार्ट करा, पेन लीक कर गई, ठीक है, तो आप जाओगे, आप उसको वापस कर दो, बोलो भाई आपने पेन खराब सी दी थी, तुरंत लीक कर गई, ठीक है, या आप कोई सामान लाए और घर में सामान टूटा हुआ निकला तो आप जाके उसको वापस कर दोगे। तो अगर आप उस शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उस शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या है, सेल्स रिटर्न है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो परचेज रिटर्न है, क्या आपने जो चीज़ परचेज करी, जो खरीदी वो वापस कर दी। तो ऐसे ही बिजनेस भी कुछ सामान खरीदता है, बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदे, खराब निकले तो वापस कर देगा सप्लायर को, तो उसका परचेज रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, बिजनेस ने जो सेल करी, कस्टमर ने जब वो वापस कर दिया तो बिजनेस के लिए वो सेल्स रिटर्न है। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी में, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या होलसेलर या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। परचेज रिटर्न का ये मतलब नहीं कि कस्टमर जो है उसने वापस कर दिया, पर क्योंकि अगर कस्टमर वापस करेगा तो वो सेल्स रिटर्न है, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम बिजनेस को रख कर देख रहे हैं। परचेज रिटर्न का
मतलब है बिजनेस को देखो, बिजनेस ने परचेज करा और रिटर्न कर दिया, ठीक है, उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। सेल्स रिटर्न, बिजनेस ने सेल किया और वो रिटर्न होके वापस बिजनेस के पास आ गया क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो PR एंड SR, अब होता है BR एंड VP। BR एंड VP क्या है? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल क्या है? देखो BR होता है बिल रिसीवेबल, बिल को आप भूल जाओ, रिसीवेबल। रिसीवेबल का क्या मतलब है? जो चीज़ हमें मिलने वाली है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई भी ऐसे टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ जिससे क्या है कि अगर हमने कोई गुड सेल कर दी, बिजनेस है, बिजनेस ने कुछ गुड सेल करे एंड जब वो सेल करे तो कस्टमर ने बोला कि भाई आप, हम तो आपके बहुत नॉर्मल जो है, बहुत रेगुलर कस्टमर हैं, आप हमको ये गुड्स अभी क्रेडिट पे दे दो, इसका पैसा हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका, उसको हम बाद में पेमेंट कर देंगे, एकदम नॉर्मल सी चीज़ आप देख लो। तो वो जो पैसा अमाउंट है वो क्या है? रिसीवेबल है बिजनेस के लिए, वो रिसीवेबल है कि बाद में कभी वो रिसीव करेगा। बिल्स पेबल को अगर आप देखो तो अगर बिजनेस ने ये चीज़ किसी के साथ करी, जैसे बिजनेस ने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदने होते हैं तो उसने सप्लायर से बोला कि भाई हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, आप मेरे को सामान अभी दे दो, मैं अभी परचेस कर ले रहा हूँ और मैं पेमेंट आपकी बाद में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पेबल है, ये चीज़ हमें बाद में पेमेंट करनी है। तो ऐसी बिल रिसीवेबल, बिल पेबल अपने में पूरा पूरा चैप्टर जो कि आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। फिर होती है जर्नल प्रॉपर। अब इतने क्लासिफिकेशन में, जो 7 तक क्लासिफिकेशन है, 1 to 7 तक, इसमें अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इनमें से किसी में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है तो उस ट्रांजैक्शन को फिर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करा जाएगा। ये जर्नल क्या है? यही जर्नल है। तो जर्नल बेसिकली छोटे कंपनीज, छोटे जो बिजनेस होते हैं वो एक ही रखते हैं। बड़ी कंपनीज में क्या होता है? 8 क्लासिफिकेशन है, जो 1 to 7 क्लासिफिकेशन, उसमें अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो फिट नहीं हो रहा है, ना ही वो कैश है, ना ही परचेज है, ना ही सेल है, कुछ नहीं है, तो उसको जर्नल प्रॉपर में लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या है, अगर किसी बिजनेस को कुछ अचानक से पता करना है कि भाई हमारी सेल्स क्या हुई थी पर्टिकुलर दिन की, तो जर्नल खोल के बैठेगा तो उसको सारे देखने पड़ेंगे, वो सीधे अपनी सेल्स बुक खोलेगा और उसमें देख लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन करा गया। अब ये जो बुक्स हैं 1 to 8, इन्हीं को बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स भी, ठीक है। क्या बोला जाता है? सब्सिडरी बुक्स। तो ये प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि इन्हीं बुक्स में सबसे पहली रिकॉर्डिंग हो रही है। दीज आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सेकेंड स्टेप, इसके बाद आता है आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है पोस्टिंग इन लेजर। तो अब यहाँ पे पोस्टिंग अभी आप छोड़ दो, लेजर, लेजर क्या आपको पता है? जर्नल के बाद जो दूसरी बुक बनती है वो लेजर होती है। अब लेजर में करते क्या है? देखो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होता है और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो जो एंट्री पास करते हैं, आपको भी बताया गया कि डबल एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट हम पास करते हैं। तो होता क्या है, देखो मनी, अगर मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है, ठीक है, एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुड्स की सेलिंग करी, ठीक है, उन्होंने सेल करी और उनको क्या मिला? कैश मिल गया, ठीक है, ये कैश वाला ट्रांजैक्शन, उनको कैश मिल गया। तो यहाँ पर देखो इन्होंने अपना गुड सेल करा, ठीक है, इन्होंने अपना गुड सेल किया, चलो गुड छोड़ो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इन्होंने कोई अपना असेट सेल करा, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर बेचा तो उसके बदले जिसको भी बेचा होगा उसने पैसे दे दिए। अब जब ये रिकॉर्ड करा जाएगा तो बिजनेस को, फर्नीचर बिजनेस, जो बिजनेस है वो फर्नीचर किस तरीके से लिखेगा अकाउंट में? वो लिखेगा फर्नीचर अकाउंट, सीधे वो उस चीज़ का अकाउंट बना देगा। कैश को वो किस तरीके से लिखेगा? कैश को लिखेगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका, जब भी हम जैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं हम उसका एक अकाउंट बना लेते हैं। अब चलो ये बात है, चलिए किसी पर्टिकुलर डेट की बात है, ये बात है July 1 की, कि बिजनेस ने फर्नीचर को सेल करा, ठीक है, और कैश उनको मिल गया। अब फिर क्या हुआ, फिर से किसी दिन, फॉर एग्जाम्पल July 15 को बिजनेस ने फिर से फर्नीचर बेचा, ठीक है, तो फिर से उस चीज़ को लिखेगा। फिर ऐसे साल में कई बार होगा जब बिजनेस जो है वो फर्नीचर को सेल करेगा या फर्नीचर को परचेस करेगा, ठीक है, ये चीज़ होती रहेगी बिजनेस में। तो अब क्या है, लेजर में क्या होगा, ये सब तो चलिए हम क्या जर्नल में जो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो रिकॉर्डिंग होती है वो हर दिन होती है, ठीक है, वो एक ऑर्डर में होती है, ठीक है, आज की सारी रिकॉर्डिंग होगी, फिर कल की सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो पर्टिकुलर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता रहता है। लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में, लेजर सबसे पहली चीज़ बनती है पीरियोडिकली। कैसे बनती है? पीरियोडिकली बनती है, मतलब कोई उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और उस पर बनती है। ये नहीं कि आप रोज़ लेजर बनाने बैठ जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल बिजनेस का जितना ट्रांजैक्शंस उसके हिसाब से, कुछ में 1 वीक में बन जाती है, किसी में 1 मंथ में बनती है, किसी में 6 मंथ्स में बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो जो लेजर है वो पीरियोडिकली बनती है। अब लेजर में क्या होगा ना कि उसमें हम सीधा जितने भी अपने जर्नल में हमने सारे ट्रांजैक्शन लिखे हैं उसमें जितने ये अकाउंट मेंशन है ना, इनका एक एक पूरा एसेट बना देंगे, ठीक है, एक सेट बना देंगे। जैसे कि लेजर में हमने बना दिया फर्नीचर अकाउंट, लेजर में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट लिखने का क्या मतलब है, जर्नल में से हम वो सारी एंट्री को छाटेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे फर्नीचर इन्वॉल्व था, जहाँ पर फर्नीचर में या तो गया है, देखो क्या होगा, या तो फर्नीचर जाएगा बिजनेस के बाद या फर्नीचर आएगा, ठीक है। तो फर्नीचर से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो हम ढूंढेंगे लेजर में और जर्नल में, और फिर लेजर में फर्नीचर अकाउंट बनाकर उन सारे ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। तो लेजर में क्या होगा, लेजर में अगर हमने फर्नीचर अकाउंट खोला है तो साल भर में या वीक भर में या मंथ भर में जितने भी फर्नीचर के ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हमको दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लेजर में कैश का अकाउंट बनाएंगे। अब जो कैश का अकाउंट बनेगा उसमें साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए जहाँ पर कैश यूज हुआ है वो सारा हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में जो भी हमने सेल करी उसका अकाउंट बना देंगे, ठीक है, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि लेजर में हम हर अकाउंट को क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं जर्नल का, अलग अलग अकाउंट बना देते हैं और उन अकाउंट्स के अंदर उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। तो लेजर में ये होता है, ठीक है, लेजर में ये क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है जर्नल में से लेजर में लिखना, हम क्या करते हैं, जर्नल में से एंट्रीज ढूंढते हैं, उनको लेजर में अकाउंट के अंदर लिखते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग जो है इस प्रोसेस को बोला जाता है। ये आपका सेकेंड स्टेप था। अब जब लेजर में हमने कर दिया तो फिर क्या होता है, लेजर में सारे अकाउंट बन जाते हैं। जब सारे अकाउंट हमने बना दिए होते हैं तो उसके बाद हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस क्या होता है, देखो एंड में, देखो अगर आपका लिखा है, देखो फर्नीचर, जैसे आपका ये केस था, फर्नीचर सेल करा बिजनेस ने, फर्नीचर बेचा, तो कभी ना कभी बिजनेस ने खरीदा भी होगा, ठीक है, कभी ना कभी बिजनेस ने खरीदा भी होगा। अब ये तो हो सकता है जितना उसने खरीदा सारा का सारा बेच दिया, तब तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। बैलेंस क्या है, जो बच रहा है आखिरी में, जो भी आखिरी में बच रहा है वो बैलेंस हो गया। फर्नीचर जो खरीदा बिजनेस ने उसमें से हो सकता है सारा का सारा फर्नीचर वो बेच दे, तो जब सारा बेच देगा तो जीरो बैलेंस बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा होगा 1 लाख रुपए का और साल भर में उसने कई कई थोड़ा 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 करके 50,000 का फर्नीचर बेच दिया। तो अब एंड में जब साल का एंड होगा तो अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि 50,000 का सेल हो चुका है और अभी बैलेंस में 50,000 के फर्नीचर बिजनेस के पास हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैश का होता है, कैश अगर बिजनेस स्पेंड कर रहा है या कैश कहीं से आ रहा है तो पहले कैश को हम रिकॉर्ड करें, कहीं ना कहीं से कैश आ रहा होगा, हमने सेल करी होगी तो कैश आया होगा, फिर अब हम उसको स्पेंड करेंगे, आखिरी में कुछ ना कुछ कैश भी बचेगा। तो ये जो एंड में जो बच रहा है इसको हम बैलेंस कहते हैं। ये कैसे होता है ये आपको तब पता चलेगा जब अकाउंटिंग करोगे बैठ के, ठीक है। तो ऐसे लेजर में क्या होता है, हर अकाउंट को जब ये अकाउंट बन जाते हैं तो उनको बैलेंस किया जाता है। तो क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, जर्नल से हर अकाउंट के एक एक हेड हम बना देते हैं लेजर में, लेजर के अंदर फिर उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं और एंड में उनको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब इस बैलेंस से आप थर्ड स्टेप पर आते हो जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के अंदर ये जो बैलेंस अमाउंट हमको मिलती है कैलकुलेट करने के बाद, ये सारे बैलेंस अमाउंट को हम एक स्टेटमेंट बनाकर लिख देते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में हेडिंग डालेंगे फर्नीचर अकाउंट और लेजर में फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको लिख देंगे। हमने बनाया कैश अकाउंट, लेजर में जो कैश अकाउंट का बैलेंस है उसको लिख देंगे। हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, लेजर में डेटर्स अकाउंट देखेंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या, एक स्टेटमेंट है और इसमें हम क्या करते हैं, लेजर के बैलेंसेस को लिखते हैं। अब देखो क्या इसमें बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। और एक और चीज़, अब ट्रायल बैलेंस में भी हम दो साइड, देखो ये पूरी अकाउंटिंग में दो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है, दो साइड्स हैं, दो बातें होंगी, डेबिट की और क्रेडिट की, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट वाला साइड और क्रेडिट वाला साइड जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। अब क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या, देखो इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ा है आपने, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है,
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दो अकाउंट है, एक है होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली इसको साथ में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं एक्चुअली में, जब हम लोग इसको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे या बिजनेस जब बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बना देते हैं, इसलिए इसको साथ में बोला जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाता है। बट बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अब ट्रायल बैलेंस में हमने क्या आखिरी किया था, हमने सबके बैलेंसेज लिखे थे, ठीक है, हमने सारे बैलेंसेस लिखे थे। अब इनकम स्टेटमेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है, इसी ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं उसको, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो है इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चले। तो आपको पता है 9th में आपने पढ़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चलता है, ठीक है। एक ग्रॉस वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट एकदम फाइनल वैल्यू पता चलती है, ठीक है। तो एक ग्रॉस नॉर्मल टाइप ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जो कि आपकी फाइनलाइज्ड वैल्यू नहीं है, उसमें भी हमको कुछ ऐड माइनस करना पड़ जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू जो प्रॉफिट या लॉस की है वो हमको ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाती है, लेकिन नेट वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट जब बन जाता है तो हम कहाँ पर आ गए, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या जो भी है पता चल जाता है एंड में। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट आपको पता है बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है, पोजीशन के बारे में बताती है। तो बैलेंस शीट और द पोजीशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट क्या है, सबसे पहली चीज़ पोजीशन स्टेटमेंट है। पोजीशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये बिजनेस की पोजीशन को बताएगी कि बिजनेस बाकी सारे बिजनेसेस के साथ में कहाँ पर खड़ा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्यों फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज अकाउंट्स में हम फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट आपको बताया गया है कि बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, ठीक है, एक होता है असेट्स का साइड, एक होता है लाइबिलिटीज़ का साइड। जनरली जो आपका आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं एंड राइट हैंड साइड में असेट लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये असेट एंड लाइबिलिटी से कैसे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, वो सब देखो जो आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे अकाउंटिंग 11th क्लास में तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होते हैं बिजनेस के, उनको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, एंड जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमें पता चलता है इस ट्रेडिंग P&L अकाउंट से, ये हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। और एंड में बैलेंस शीट के भी दोनों साइड असेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस के सारे बैलेंसेज जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो इक्वल होना चाहिए, बैलेंस शीट में असेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या बताया गया, लास्ट, अब आप लास्ट स्टेप पे आते हो जो कि होता है ओपनिंग ऑफ न्यू बुक्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल के लिए बुक्स को हम ओपन करते हैं, क्या होता है इसमें, देखो बैलेंसेस अपियरिंग इन बैलेंस शीट आर ट्रांसफर्ड इन द न्यू जर्नल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपने देख तो लिया दोनों साइड बैलेंस करिए, असेट और लाइबिलिटी बराबर है, जितने भी आपने देखो, अब जब बैलेंस शीट बनती है ना तो उसमें हम सारी चीज़ें नोट करते हैं, सबकी एक एक वैल्यू कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वही जो वैल्यूज़ है वही जो बैलेंसेज होते हैं। अब देखो बिजनेस एक साल के बाद ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, आपने ये सारे अकाउंट कब बनाए, देखो सबसे पहली चीज़ जर्नल साल भर बनेगी एंड डेट तक, ठीक है। लेजर जो है वो पीरियोडिकली बनेगी, पर वो भी एंड डेट तक बनती है, ठीक है, लास्ट टाइम तक लेजर हम बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम लास्ट में बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट में आता है। ट्रायल बैलेंस हम एंड में बनाते हैं, जब सारे लेजर अकाउंट सारे ट्रांजैक्शन हो तब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम ये जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनको बनाते हैं। ये जो जर्नल है आपका ये भी पीरियोडिकली बनता है, लेजर है ये भी पीरियोडिकली बनता है, साल भर बनता है। ट्रायल बैलेंस आपका एंड में बनता है। इनकम स्टेटमेंट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पूरे पीरियड के बेस पर होता है, ठीक है, पूरे साल भर का हम देखकर बनाते हैं। जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, ठीक है, वो एक लास्ट फाइनल डेट पे बनती है। और अगर आप आज बैलेंस शीट बनाओगे और आप कल बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें फ़र्क होगा। बिजनेस की अगर आप बात करो, रनिंग बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस की आज की बैलेंस शीट और कल की बैलेंस शीट में फ़र्क हो जाएगा। इवन कई बार कुछ घंटों के बीच में भी फ़र्क हो जाएगा, बिकॉज किसी भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के होने से बैलेंस शीट के फिगर्स में चेंज आ जाएगा,
ठीक है, उनकी वैल्यूज में जो अमाउंट है उसमें चेंज आ जाएगा। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है और वो उसी डेट के लिए वैलिड मानी जाती है। तो ये एंड में 31 मार्च को बनती है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है। अब बैलेंस शीट जो है बन गई, जब बैलेंस शीट बन जाएगी तो 31 मार्च लास्ट है। अब आपका फिर 1 अप्रैल से नया आपका ईयर शुरू हो रहा है, नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है बिजनेस का 1 अप्रैल से। तो जो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी है उसमें जितने भी बैलेंसेस हैं, अब हम 1 अप्रैल से नया बिजनेस, फिर से बिजनेस को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, बट न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस में अभी भी वही कैश है, अभी भी वही फर्नीचर है जो हमने एंड में बैलेंस शीट में दिखाया है, वही सारे चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस क्यों ट्रांसफ़र करते हैं हम? बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 अप्रैल से, जो हम फिर से जर्नल अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, बिकॉज वही चले आ रहे हैं। अब उसके हिसाब से हम आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपने जब ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, आपके पास कैश फॉर एग्जांपल 50 लाख था, ठीक है, एंड में होते 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 अब आपको प्रॉफिट वगैरह हो गया, अब आपके पास 1 करोड़ का कैश है, ठीक है, बिजनेस नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही है, 31 मार्च को 1 करोड़ का कैश हो गया। तो जब आप 1 अप्रैल से फिर बिजनेस को कंटिन्यू करोगे तो आप कैश कितना दिखाओगे? 1 करोड़ का कैश है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मशीन थी, मशीन आपने 1 अप्रैल को खरीदी होगी और फिर साल भर आपने मशीन को यूज़ करा, एंड में आके क्या देखो सामान ख़राब हो जाता है, तो बिजनेस में भी मशीन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, 1 लाख की मशीन थी कम होके 80,000 की रह गई। तो जब आप 1 अप्रैल को अपना बिजनेस फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे तो मशीन आपकी दिखेगी 80,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अब उन्हीं बैलेंसेस को हमको ट्रांसफ़र करना होता है इन द न्यू जर्नल, जब हम नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही है कि बैलेंसेस अपेयरिंग इन बैलेंस शीट आर ट्रांसफर्ड इन न्यू जर्नल ऑफ नेक्स्ट ईयर, और फिर से वही सेम प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है, एंड दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल ब्रीफ में थी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें है और कुछ पॉइंट्स को इसलिए एक्सप्लेन करा जा रहा है बिकॉज फिर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप 11th में भी कंटिन्यू करना चाहते हो कॉमर्स को और स्पेशली अकाउंट्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में इतना नहीं बताया जाएगा, ठीक है, वहाँ बेसिकली आप थोड़ी थ्योरी रहेगी एंड फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर जाओगे, क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे और उसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है, अकाउंटिंग साइकिल हमने कर ली है। अब बेसिक जो आपका मेन गैप है, जो प्रिंसिपल्स हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होंगे बिकॉज उसमें फिर हम डेफिनेशन और उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए गए उनको एक्सप्लेन करा जाएगा। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना है देन डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, एंड स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।